हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ खुशबू कुमारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में जो हम वीडियो के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है प्रिंट मैट्रिक्स इन स्नैक पैटर्न फ्रॉम द लास्ट कॉलम। मतलब हमारे पास एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा जिसमें कि रॉ फोर रोज, फाइव रोज, सिक्स रोज, ये डिपेंड करता है यूज़र पर। हमें क्या करना है, गिवेन अ मैट्रिक्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे ऑफ एन रोज, एन रोज मीन्स टू थ्री फोर फाइव कितने भी हो सकते हैं, एन कॉलम्स भी कितने हो सकते हैं। प्रिंट दिस मैट्रिक्स इन स्नैक फैशन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम वन। मतलब हमारे पास एक एरे होगा, एक मैट्रिक्स होगा जो कि एन इंटू एन डायमेंशनल का होगा। मतलब रो की साइज और कॉलम की साइज दोनों साइज क्या होगी, सेम होगी। अगर फोर रोज होंगे तो फोर कॉलम्स भी होंगे, फाइव रोज होंगे तो फाइव कॉलम्स भी होंगे। तो एन इंटू एन के हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। हमारा वो क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमें उसे प्रिंट करना है स्नैक पैटर्न में। मतलब जैसे अगर हमारा मान लीजिए ये मैट्रिक्स होगा, गिवन मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे, तो हमारा स्टेप क्या है कि हमें स्नैक ऑर्डर में इसे प्रिंट करना है एक एक करके। मतलब हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो फोर थ्री टू वन प्रिंट किए। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, फाइव सिक्स सेवन एट तक प्रिंट किए। फिर उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, कुछ ऐसा। तो होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पहले समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितना आपको हार्ड लग रहा है ना, वो एक्चुअली इतना हार्ड नहीं है। ये इसे जब मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजिली भी तरीके से भी समझ में आएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस आपने किया होगा या नहीं किया होगा, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। वो है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो है तो हमें मुझे यहाँ से ऐसे प्रिंट करना है। फिर जब हम सेकंड रो में जा रहे हैं तो मुझे इस तरह प्रिंट करना है। फिर हम थर्ड रो में जा रहे हैं तो मुझे इस तरह प्रिंट करना है। फिर हम फोर्थ रो में जा रहे हैं तो हमें ऐसे प्रिंट करना है। मतलब ये स्नैक पैटर्न में बोला तो गया है, लेकिन हो क्या रहा है, पहले राइट टू लेफ्ट जा रहा है, फिर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसे करके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही जा रहा है। मतलब हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर वन से, फिर टू से, फिर थ्री से। तो देखिए, जीरो जीरो एक इवन नंबर की तरह लिया जा सकता है। तो इवन नंबर में क्या है, मुझे इधर से स्टार्ट करना है। फिर जब वन ऑड नंबर आ रहा है तो मुझे इधर से स्टार्ट करना है। फिर टू इवन नंबर तो मुझे इधर से स्टार्ट करना है। फिर थ्री ऑड नंबर है तो मुझे इधर से स्टार्ट करना है। तो मतलब हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि पहले हमें लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, फिर लेफ्ट टू राइट करना है। तो जब ऑड होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और जब जब इवन होगा तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और जब ऑड होगा तो हम लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर देंगे। बस हमें यही चीज़ करना है। तो फ्रेंड, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा 2D डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो इसे कहते हैं रो, और इधर इसे कहते हैं कॉलम्स। तो जैसा कि पहले से ही क्लियर है कि n इंटू n मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर फोर रो है और फोर कॉलम है, ठीक है। तो उसका जो इंडेक्सिंग होता है वो कुछ इस तरह होता है। पहले ये जीरो जीरो जीरो, ये जो फर्स्ट जीरो है वो रो डिनोट करता है, और जो सेकंड जीरो है सेकंड पोजीशन पर वो कॉलम होता है। ये कॉलम होता है और ये रो डिक्लेयर कर रहा है। तो फर्स्ट रो जीरो है, फिर सेकंड रो वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर थर्ड रो टू से, फिर जीरो से, कॉलम जीरो वन टू थ्री। तो कॉलम वन टू थ्री और रो वन टू, जीरो से स्टार्ट लेके जीरो वन टू थ्री। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा कोड लिखा है जिसमें हम क्या करने वाले हैं,
यूजर से हम सबसे पहले रो का वैल्यू, मतलब कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, वो एंट्री करवा लेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि n इंटू n है, तो हम कोई एक वैल्यू ही डालने उसे बोलेंगे, तो रो का भी वैल्यू और कॉलम का भी वैल्यू वो उसी से हम इनिशलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू ले ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक एक करके वैल्यू फेच करना है, मतलब एक एक वैल्यू एंट्री करवानी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम एक रो ले रहे हैं, उसके सारे कॉलम्स को वैल्यू लेंगे, फिर हम सेकेंड रो में आएंगे, फिर उसके सारे कॉलम्स के वैल्यू एंटर करवा लेंगे, फिर थर्ड रो में आएंगे, फिर इस तरह करते जाएंगे। तो इससे एक बात क्लियर है कि हम दो फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं। एक फॉर लूप जो हमारा होगा सबसे पहले वो रो डिसाइड करेगा, और जो हमारा सेकेंड फॉर लूप होगा वो हमारा कॉलम डिसाइड करेगा। तो हम पहले फर्स्ट रो में सारे कॉलम्स का वैल्यू एंटर करवा लेंगे, फिर सेकेंड रो में आएंगे, फिर सेकेंड रो के सारे कॉलम्स के वैल्यू इंसर्ट करवा लेंगे एक एक करके। तो ये वो हमारा दो फॉर लूप है जो कि एक एक करके एलिमेंट लेगा यूज़र से। जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ये फॉर लूप बेसिकली है रो हैंडल करने के लिए, और ये फॉर लूप है कॉलम को हैंडल करने के लिए। मतलब हम पहले आई इज इक्वल्स टू जीरो करते हैं, यानी वो फर्स्ट रो में है, और फिर ये जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे शुड बी लेस देन कॉल, मतलब कॉलम के वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर जैसा कि हमारा 0, 1, 2 यानी 3 कॉलम है, तो ये 0 से लेके 2 तक चलेगा। तो फर्स्ट रो का सारा कॉलम का वैल्यू इंसर्ट करवा लेंगे, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट रो के सारे वैल्यू को इंसर्ट करवा लेंगे, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर नेक्स्ट रो के सारे वैल्यू को इंसर्ट करवा लेंगे। इस तरह 1 by 1 करके हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने ये पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट हम 0 से 1, 2, 3 जब हम इवन नंबर इवन रो में होते हैं तो हमें कहाँ से प्रिंट करना होता है, राइट टू लेफ्ट करना होता है, और अगर हम रो ऑड रो में रहते हैं तो हमें कहाँ से प्रिंट करना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब हमें चलना है राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे हमें कंटिन्यू रहना है। अगर इवन पोजीशन पे है तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो जैसा कि हमने जब एक एक वैल्यू हमें इंसर्ट करवाना था तो हमने दो फोर लूप यूज़ किया था, एक फोर लूप रो के लिए और एक फोर लूप कॉलम के लिए, तो उसी तरह हम यहाँ भी करने वाले हैं डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन डिस्प्ले में एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि हमें कंटिन्यू इंसर्ट नहीं करवाने हैं, हमें कंटिन्यू डिस्प्ले नहीं करवाने जिस तरह हमने कंटिन्यू इंसर्ट करवाया था। हमें करना है लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, तो इस तरह हमें डिस्प्ले करना है। तो रो तो रहेगा ही, एक रो का वैल्यू हमें डिस्प्ले करवाना है। अब कॉलम में हमें डिसाइड करना होगा कि क्या वो लास्ट से वैल्यू डिस्प्ले करवाना है या फर्स्ट से वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, तो जैसा कि हमारा पहला फोर लूप जो होगा वो तो रो डिसाइड करेगा ही, कॉलम में हमें डिसाइड करना है, रो हमें प्रिंट करवाना है। लेकिन अब कॉलम में हमें डिसाइड करना होगा कि क्या मुझे इधर से प्रिंट राइट टू लेफ्ट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ सबसे पहले एक फोर लूप चलाया जो कि रो डिसाइड करेगा एक एक करके रो का वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। फिर मैं कॉलम का वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या जो हमारा रो है वो ऑड पोजिशन पर है या इवन पोजिशन पर है। तो अगर इवन पोजिशन पर होगा तो हमें कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, और अगर हमारा ऑड पोजीशन पे होगा तो हमें कैसे जाना है कि लेफ्ट टू राइट जाना है। तो अगर वो इवन पोजीशन पे होगा तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट कॉलम से लेके फर्स्ट कॉलम तक। अगर वो इवन पोजीशन पे होगा तो फर्स्ट कॉलम से लास्ट पोजीशन, मतलब ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, लास्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू लास्ट। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक और फोर लूप यूज़ करने वाली हूँ जो कि लास्ट टू फर्स्ट इनिशियलाइज होगा जब इवन पोजीशन होगा, और फर्स्ट टू लास्ट जाएगा जब ऑड पोजीशन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे रो का तो वैल्यू फर्स्ट टाइम में जैसे मान लेते हैं 0 रहेगा, तो आई क्या 0 mod 2 इज इक्वल्स टू 0 है, ट्रू हो जाएगा। तो फिर यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जे इज इक्वल्स टू कॉल माइनस 1, कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा जैसे इस सिचुएशन में 3 होगा। तो चूंकि ये इंडेक्स क्या है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, कॉलम का 2 होगा, इसीलिए मैं कॉल माइनस 1 कर दे रही हूँ। जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जे माइनस माइनस।
तो सी आउट ए आर आर आई, आई का वैल्यू क्या है जीरो, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा उस टाइम के लिए थ्री हो, टू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसे वो प्रिंट कर देगा, फिर जे माइनस माइनस यानी वो उसके प्रीवियस कॉलम में आ जाएगा, और रो तो वही रहेगा जीरो, तो जीरो और वन पे आ जाएगा, फिर जीरो और जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इस पार्ट में तो जाएगा नहीं, फिर हो जाएगा आई प्लस प्लस, यानी वो अब नेक्स्ट रो में आ जाएगा। नेक्स्ट रो चूंकि हमारा वन होगा जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हमें क्या करना था, लेफ्ट टू राइट जाना था, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट कॉलम तक जाना था। उसके लिए मैंने यहाँ इल्स पार्ट लगा के रखा है, इंट जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे शुड बी लेस देन कॉलम, मतलब जीरो वन टू थ्री वैल्यू है कॉलम की, तो ये कहाँ तक जाएगी, टू तक जाएगी, और वो प्रिंट करेगी रो का नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या हो गया था, आई का वैल्यू वन हो गया था, तो वन और जीरो, फिर वन और वन, फिर वन और टू, तो इस तरह ये हमारा स्नैक ऑर्डर में प्रिंट कर देगा वैल्यू। तो होप ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।